किलोमीटर का कितना दिया? 62 रुपये। इससे पहले 10 किलोमीटर का दिया था 64 रुपये। ठीक है, देखो अभी जोमेटो वाले को स्विगी वालों या तो देहरादून में बंद कराओ, या तो अगर ये लोग राइडरों को पैसा अच्छा नहीं दे रहे, ये लोग भगा रहे। कुछ दिन तक आईडी मत खोलो जब तक इनकी फटी नहीं ना, जब तक देख लो, सुधर जाओ, समझ जाओ राइडरों, सोच लो। हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। द न्यू वीडियो की शुरुआत हो रही है अभी दिवाली के दिन। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली, और दिवाली की बहुत 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 ज्यादा शुभकामनाएं और बहुत मुबारक हो। और मैं कोशिश करूंगा कल ये वीडियो अपलोड करूंगा, और वेट कल ये वीडियो अपलोड करूंगा। और फिलहाल हम अभी जा रहे हैं, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा दिया है हेलमेट पे अपना स्टैंड वगैरह। और फिलहाल मैं आज आपको बताऊंगा देहरादून में दिवाली कैसे मनाई जा रही है। बहुत खतरनाक हो रहा है, साथ में काम भी होगा और आपको दिखाया भी जाएगा, लाइव लाइव दिखाया जाएगा। बस ओ भाई देखो देखो भाई कैसे फूटते, देखना देखो देखो देखो। तो गाइस एक्चुअली ये वाला पटाखा बहुत खतरनाक फूट है, हमने पटाखे पटाखे सब लार गए। तो हम क्या करेंगे ना, कल हम ये पटाखे जलाएंगे। देखो जोमेटो ने मेरे को पहला ऑर्डर दिया 76 रुपीज का। कितना किलोमीटर पिकअप है? 9, 10 10.23 किलोमीटर पिकअप है ये देखो। ठीक है, इतना रुपए दे रहा है अभी, पहले बहुत ज़्यादा पैसे देता, आजकल इतना रुपए दे रहा, कम दे रहा है। तो इसको मैं यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा पहला ऑर्डर है अभी। तो चलो हम जाएंगे अभी करिश्मा फूड में, जो कि रेस्टोरेंट का नाम है, या घर पे होगा। आज फिलहाल काम कर लेते हैं और कल मनाएंगे दिवाली अच्छे से, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पटाखे फोड़े ऐसे। वैसे तो मैं शुरू से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा था, पर क्या करें, टाइम ही नहीं मिला यार, दिल के इतना सो गया, ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाया। तो सोचा कि अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और काम के साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि जोमेटो में क्या चल रहा है, कैसा काम चल रहा है। चलो भाई साहब, डर लग रहा है कोई सड़कों पर ना डाल दो यार पटाखे। ओ भाई साहब, आज तो पूरी रोड खाली है यार अभी। भाई अगर और दिन होता ना, ये रोड पूरी भरी भरी मिली होती अभी आप लोगों को, क्योंकि अब तो बड़ी सब लोग घर पे पूजा पाठ कर रहे हैं, दिवाली में आए कोई पूजा को, क्योंकि शाम के टाइम सब लोग सामने वगैरह ला गया होगा, पूजा पाठ कर रहे होंगे, खाना पीना बना रहे होंगे, और दोनों जो बाहर में ऑर्डर कर रहा था बाहर भी खा रहे होंगे। तो अभी इतना भीड़ नहीं है, देख सकते पूरा खाली भर साहब। इस टाइम पे तो पूरा रोड जाम रहता है, 8 बजे है ये देख सकते आप लोग टाइम में से। और मैं फिलहाल रेस्टोरेंट में रीच करने वाला हूँ। आपका ऑर्डर, आपका ऑर्डर मैडम, ऑर्डर है आपका? हाँ, मोनू ठाकुर के नाम से। कौन सा? मोनू ठाकुर, नाम तो कुछ लिखा नहीं है आपका। ये ना मैंने भैया को कॉल किया था अभी। ठीक है, कैश दे रहे, गूगल पे करो, कैश दे रहे, 609 रुपये। क्या नाम है आपका? क्या, वाह, हैप्पी दिवाली। आपको पता है कल में कहाँ पे? बड़ी वाली बीड़ी बम्बू, 200 और 500। तीसरा ऑर्डर आ चुका है मेरे पास, दूसरा तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, देख सकते हैं। ओ भाई बिरयानी भाई किलो यहीं पे, और कितने किलोमीटर है? 6-8 किलोमीटर मान के चलो, ये देखो 63 का, चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो यार निकलते यहाँ से ऑर्डर लेंगे। अरे यार एक बेचा हो गया यार भाई, यार पेट्रोल खत्म होने वाले मेरा, देख सकते हैं आप, बत्ती जब जब हो रही है, मतलब अभी ज्यादा नहीं चलेगी गाड़ी। अभी मेरा दूसरा ऑर्डर चल रहा है, मतलब एक दो ऑर्डर और आ गया तो भाई गाड़ी कहीं पे भी खड़ी हो सकती है। इधर तो मस्त सजाया था यार, थोड़ा कलरफुल लड़ी रहे तो मस्त लगे यार। ये वाले वाले पेट्रोल में खुला होना चाहिए। ओ भाई साहब भाई भीड़ देखो, माय गॉड, सब लोग इधर ही आए क्या? तो भाई वहीं पे 190 का डालो। साथ
फाइनली यार मेरा खाली चौथा ऑर्डर पड़ रहा है यहाँ पे, और मैं अभी बाहर खड़ा हूँ भाई साहब, इतना पॉल्यूशन हो गया ना गाइस, इतना पॉल्यूशन हो गया यहाँ रोड पे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, देख सकते पूरा धुआं ही धुआं हो गया है, आप लोग देख सकते हैं मेरे आगे पीछे भाई साहब, इतने इसमें काम करना बहुत ही मुश्किल है, और दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे आस पास, देखे पूरा धुआं ही धुआं हो गया, और भाई इधर डर भी लग रहा है, लोग गली में पटाखे फोड़ रहे हैं, और भाई कभी कभी सर के ऊपर ही आ रहा, आगे सर मेरे पैर पे लग गया पटाखा, तो यार क्या करें, चलो ये ड्यूटी तो खत्म करेंगे अभी, और ये देखिए कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया। तो फिलहाल मेरा एक ऑर्डर है अभी, और मैं अभी ऑर्डर लेने जा रहा हूँ, देखिए गोभी पंजाबी किचन का ऑर्डर है, देखिए तो लोकेशन ऑन करके निकलता हूँ यहाँ से, और पता है मेरे को सर्दी भी लग गई है, दुकान बहुत ज्यादा होने लग गया, अभी तो आ रहे यार बहुत धुआं हो गया बाहर, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, काम करना बहुत मुश्किल है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे राइडर है, सब ऑर्डर लेने आ रहे हैं, भाई जी बिरयानी कितनी निकाली तुमने? क्वार्टर में, क्वार्टर में ये 240 का हाफ आता है, क्वार्टर में तंदूरी ले लो, चिकन तंदूरी। भैया पटाखे नहीं फोड़े क्या तुम लोग? है पटाखे नहीं फोड़ोगे? पटाखे हमने तो जो फोड़े दो बिरयानी निकाल तो फिर बंद रख दो भाई जी, कर दो यार दो ऑर्डर है मेरे पास, कढ़ाई पनीर वाला, कढ़ाई पनीर वाला ऑर्डर। तो गाइस ये मेरा फ़ोन है, मेरे 10 ऑर्डर हो चुके हैं, 11 ऑर्डर पे हमारा इंसेंटिव मिलता है 200 का, देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनकी सच्चाई, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस, आज आप लोग देखिए, मैंने 3 बजे वाली शिफ्ट बुक करके, देखो मेरा 10 ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, 100 रुपये इंसेंटिव बता रहा, मतलब 11 ऑर्डर होगा तो 200 मिलेगा, ठीक है ओके ये डन है। तो भाई देखिए पैसे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये लोग पैसे पैसे दे रहे हैं, ये तो मेरा 12 बजे के बाद एक ऑर्डर आया, तो 12 बजे का अलग काउंट होता है, देख सकते हैं इसका, इसने दिया मेरे को इसका, मैं दिखा दूँ आप लोगों को पूरा, ये देखिए 64 रुपये दिया, कितना किलोमीटर पता है? 2.6 7.9, मतलब 10 किलोमीटर हो चुका है टोटल, 10 किलोमीटर मान के चलो, 64 रुपये दिया 10 किलोमीटर का, ठीक है। और देखो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, 12 बजे से पहले गए, ये देखिए ये है आज से, ये मैंने फूड फैक्ट्री, मैंने नहीं करिश्मा फूड वाला, मैंने पहले पहला ऑर्डर मारा था जब मैं ड्यूटी आया था, ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखाया था उस टाइम पे 8.7 किलोमीटर का इसने मेरे को दिया था कितना, 83 रुपये, अभी मैंने तुम्हें दिखाया ना 10 किलोमीटर का कितना दिया था, 64, ठीक है, अभी रुको 62 रुपये ये वाला कौन सा है, ये दिया इसने 5.6 11 12 किलोमीटर का, देखिए 5 किलोमीटर ऊपर 5 किलो 6 किलोमीटर नीचे, 6 किलो कुछ है और 5 किलो कुछ है, मतलब 12 किलोमीटर का ये मेरे को 62 रुपये दे रहा है, ठीक है 12 किलोमीटर का कितना दिया 62 रुपये, इससे पहले 10 किलोमीटर का दिया था 64 रुपये, ठीक है। देखो अभी ये लोग कितना स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, 47 रुपये कितना किलोमीटर का, ये देखिए 4 5 6 मतलब 6 किलोमीटर कुछ हो गए, 6.4 किलोमीटर हो गया, कितना दे रहा है 47 रुपये, ठीक है। ये और देखो आप ये लोगों ने हद कर दी हद, ये वाले देखते हैं 76 कौन सा है, 2 पॉइंट इसमें हो गया 10 10.5 किलोमीटर का इसने इसको 76 रुपये दिया, ठीक है साढ़े, मतलब जैसा जैसा तुम काम करते रहोगे ना वैसे वैसे ये पैसा कम करता रहेगा, और बाद बाद में इसने इतना पैसा कम कर दिया, तो 47 रुपये कितना दिया 6 किलोमीटर का, ठीक है। प्लस ये मैंने आपको दिखाया 62 रुपये कितना, 6 5 11 12 किलोमीटर का कितना दिया 62 रुपये, देख रहे हो आप। जोमेटो स्विगी वाले सब लोग मिल जाओ, सब लोग एक साथ हो जाओ, चाहे मेरा नंबर लो, ग्रुप बनाओ या मेरे को मैसेज करो, ग्रुप बनाते हैं जोमेटो वाले को, स्विगी वालों को या तो देहरादून में बंद कराओ, या तो अगर ये लोग राइडरों को पैसा अच्छा नहीं दे रहे, ये लोग भगा रहे, मरवा रहे सबको, भगा रहे राइडरों को,
कितना कितना किलोमीटर चलवा रहे, पैसा देखो अभी 400-500 का अर्निंग हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, सब लोग मिलो, मिलजुल के सब लोग एक साथ हो जाओ, और कुछ दिन तक आईडी मत खोलो जब तक इनकी फटी नहीं ना, जब तक इन्होंने खुद कॉल नहीं किया सबको और पैसा अच्छा नहीं दिया, कोई आईडी मत खोलना गाइस। इसमें आप लोगों को फ़ायदा है, नहीं तो तब तक कुछ और काम कर लो, क्योंकि अगर भाई कुछ करना है तो ऐसा मत करो, आगे के लिए देख लो। ऐसे 400-500 रुपये कमाएगा, उसमें तुम्हारा 200 पेट्रोल क्या बचेगा बताओ, कुछ नहीं बचेगा भाई, कुछ भी नहीं। तो भाई बोल रहा हूँ अभी देख लो, सुधर जाओ, समझ जाओ, राइड रहो, सोच लो। तो गाइस फाइनली सुबह हो चुका है, 4 बज गया है, और मैं सोचा यार अभी बंद कर दूँ, पर मैंने गलती से बुक कर दिया 5 बजे वाली शिफ्ट भी, 4 से 5 वाली भी मैं नहीं करना चाह रहा, पर हो गया, मेरे पास ऑर्डर था तो मैंने बुक कर लिया है। तो देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं रूम पे ही जाने वाला हूँ। यार मेरे को सर्दी लग गई, बहुत जुकाम हो गया है, और देख सकते हैं अभी यहाँ पे पूरा मतलब सुबह के टाइम पे है, 4 बजे के टाइम सब कुछ अभी बंद है, और गाड़ी गुड़ी तो चलती रहती है रात भर। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ यार अभी गिग बंद कर देता हूँ, और अभी सोते आराम से मजे लेके, और सुबह अभी उजाला भी होने वाला है, तो निकल दे यहाँ से घर की ओर, और दिखा दे आप लोगों को कल दिवाली मनाएंगे हम भी, और हमारे साथ बने रहना यार। जो जो नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आवाज़ तो बराबर नहीं आ रही क्योंकि सर्दी लग गई है बहुत ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें, और ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से वीडियो ला सकूँ। तो कोई भाई जो इतना गलत गलत कमेंट करता है ना, मैंने बहुत सारे लोग मैंने देखे कि मेरी वीडियो में ऐसी ऐसी गंदे गंदे कमेंट करते हैं, मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं किसी को, और ना मैंने अभी तक रिप्लाई, भाई रिप्लाई ऐसा रिप्लाई आएगा ना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू, और गुड मॉर्निंग भी, बाय।